हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक बहुत ही प्यारा वीडियो। देखिए, हम नेशनल लेवल के करंट अफेयर तो डेली अपडेट करते हैं और साथ में हम बीच में वीडियो भी प्रोवाइड कर देते हैं। स्टेट लेवल का भी करंट अफेयर हम आपके साथ कवर करते रहते हैं। अब हम आज कर रहे हैं आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीडियो, और इसमें क्या करेंगे, हम पूरे इंटरनेशनल करंट अफेयर जो 2019 के बीच में रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम में आपका जो अगर करंट अफेयर का पोर्शन 10 नंबर या 12 क्वेश्चन तो रेगुलरली आप देखते मिलते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में अगर आपका नेशनल लेवल के करंट अफेयर आते हैं तो इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आने चाहिए, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन एक करंट अफेयर के तो वहां पर 5 क्वेश्चन तो इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। 2019 के लगभग सभी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में आपके लगे हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है कि हाल ही में यूनेस्को से अलग हुआ प्रमुख देश कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। क्या बोल रहा है कि हाल ही में यूनेस्को से अलग हुआ जो है प्रमुख देश कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को एक संस्था है जो विश्व की प्राचीन इमारतों या फिर आपके राष्ट्रीय उद्यान या जितनी भी ऐसी प्राचीन चीज़ें हैं इनका ये संरक्षण करती है, ठीक है। तो यूनेस्को से जो अभी हाल ही में जो देश अलग हो गए हैं वो है ए और शी, यानी आपका अमेरिका और इज़राइल, ये दोनों ही देश जो है 2019 में यूनेस्को से क्विट कर ले गए, यानी अब ये इन यूनेस्को का हिस्सा नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका छोटी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दो देश अमेरिका और इजराइल, याद रखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यूनेस्को से अलग हुए दो देश हैं, एक तो आपका है अमेरिका और एक आपका है इजराइल, ये दोनों ही देश क्या हैं यूनेस्को से क्विट कर गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि चंद्रमा की दूसरी ओर यान उतारने वाला जो है पहला देश कौन सा बना। देखिए, लगभग अभी क्या है, जितने भी देश हैं वो चंद्रमा पर यान तो उन्होंने उतारा है, बट चंद्रमा के उस साइड पर तो उतारा है जो काफ़ी नज़दीक है पृथ्वी से, लेकिन अपर साइड यानी दूसरे साइड पर जो है चांद उतारने का जो है बहुत बड़ा जो उपलब्धि हासिल करी है, ये किस देश ने करी है, तो आपको पता होना चाहिए ये उपलब्धि हासिल करी है चीन ने, ठीक है। याद रखिएगा कि चंद्रमा की दूसरी ओर यान उतारने वाला जो देश बना है पहला, वो है आपका चीन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली भारत मध्य एशिया वार्ता कहां पर संपन्न हुई। देखिए, फर्स्ट टाइम हुई है तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाएगी। याद रखिएगा, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता जो कि संपन्न हुई है ये कहां पर हुई है, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में ये संपन्न हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, मानवाधिकार को समर्पित चैनल है ये, और ये फर्स्ट टाइम जो प्रारंभ हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, लंदन में प्रारंभ हुआ है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस। और मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल जो अभी हाल में कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये आपको याद रखना है लंदन में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किस वर्ष के लिए रियो डी जेनेरियो को विश्व की पहली वस्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है। देखिए, वैश्विक राजधानी घोषित करने का मतलब क्या है वस्तुकला की, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अब ये भाग लेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या उल्लेखनीय है, क्या सही है, क्या गलत है, तो इस तरह की जो है ये अब एक्टिविटीज़ करेंगे। तो रियो डी जेनेरियो को विश्व की पहली वस्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है 2020 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन जिसमें हाल ही में शामिल हुआ देश है। तो देखिए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ जो है हाल ही में देश कौन सा है, तो आपको रखना 121 देशों का ये संगठन है और इसमें हाल ही में शामिल जो हुआ है वो हुआ है अर्जेंटीना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि RIC मंत्रियों की जो है 16वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, क्या बोल रहे हैं कि RIC मंत्रियों की जो है 16वीं बैठक जो है किस देश में संपन्न हुई है, तो आपको याद रखना है ये बैठक संपन्न हुई है चीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि किस देश ने जो है स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि किस देश ने स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया, तो आपको याद रखना है ये किया है ब्रिटेन ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनने, एक तो आपको याद रखना है कि जो है कजाकिस्तान की राजधानी पहले क्या थी, इसका नाम क्या था, अस्ताना था, अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। इसका जो अब नाम क्या किया गया ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो याद रखिएगा नूर सुल्तान इसका जो है प्रेजेंट टाइम में नाम कर दिया गया है। अब नूर सुल्तान नाम क्यों करा गया है कजाकिस्तान की राजधानी का, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। याद रखिएगा कि जो है नूर सुल्तान नजरबायोव ये जो थे ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने 1990 में, ठीक है, 1990 में इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली थी, ठीक है, और तब से यही राष्ट्रपति थे इस देश के, ठीक है। तो अब क्या है, इनके सम्मान में जो है इस राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नूर सुल्तान कर दिया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शारदा पीठ कॉरिडोर किस देश में हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए गलियारा खोलने के लिए सहमति जताई है। याद रखिए कि शारदा जो पीठ कॉरिडोर है ये हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए जो है एक गलियारा खोला जाएगा, और इस गलियारों को खोलने के लिए किस देश ने सहमति जताई भारत के साथ, तो वो है पाकिस्तान। देखिए ये एक मंदिर है, और मंदिर में हिंदू तीर्थयात्री अगर जाएंगे तो भाई दोनों ही देश के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो भारत के बहुत से नागरिक इस पीठ में जाना चाहते हैं, पर अभी इनके लिए कुछ खास इंतजाम नहीं है, और पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमिक के लिए काफ़ी रो रहा है, और इसलिए अगर ये काम ही करते हैं तो इनकी इकोनॉमी में भी थोड़ा सुधार आएगा, क्योंकि इससे इनका टूरिज्म बढ़ेगा। तो शारदा पीठ कॉरिडोर जो है हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए गलियारा खोलने की जो सहमति जताई है पाकिस्तान ने जताई है, और ये भारत के साथ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस देश से दूध उत्पादों के आयात पर लगाई गई रोक को जो है बंदरगाह पर स्थित प्रयोगशाला को आधुनिक बनाए जाने तक जो है बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी जो किस देश से हम दूध खरीदते थे जिसको अभी हम नहीं खरीद रहे हैं, और रीजन क्या है कि जो हमारे बंदरगाहें वहाँ पर जो है प्रयोगशाला का आधुनिकरण किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो ये आपके दूध जो आते हैं इनके सैंपल को अच्छी तरह जांच सकेंगे, और ताकि हम मतलब क्लियर कर सकें कि दूध जो आ रहा है बिल्कुल सही है या फिर ये गलत है। तो ये दूध कहाँ से आ रहा था जिसको अभी फिलहाल ही तो क्या है रोक लगा रखी है, तो ये चीन से आने वाले दूध पर अभी रोक लगा रखी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए न्यूनतम दिनों के वीज़ा में कमी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा पर रोक लगाने की भी घोषणा कर दी है। देखिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में इनका जो वीज़ा सिस्टम है पाकिस्तानियों के लिए, वो मतलब क्या है, जो जितने इनके दिन जो थे उसको भी कम करने की ये मांग करी इन्होंने, और एक काम और करा है कि मतलब ये पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा पर रोक की भी घोषणा ही कर चुके हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है, आप समझ सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और ये अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने ये काम किया है कि मतलब पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा पर भी इन्होंने क्या है रोक लगा दी, यानी कमी करेंगे और इसके वीज़ा पर भी ये रोक लगाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में किस देश की सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बुरके पर जो है कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी आप सार्वजनिक स्थानों पर जो है बुरका नहीं पहन सकते हो, और ऐसा किसने किया, ये श्रीलंका सरकार ने किया। रीज़न क्या है कि आपने देखा था ईस्टर पर्व पर जो कि बम धमाके हुए थे, तो उसमें जो संदिग्ध पाए गए थे वो बुरका पहने ही पाए हुए थे। इस कारण जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर क्या है बुरके पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश की जो है सरकार ने माउंट एवरेस्ट से जो है आपका 3000 किलोग्राम कचरा हटाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने स्वच्छता अभियान जो है आपका माउंट एवरेस्ट पे चलाया। तो आपको याद रखना है 3000 किलोग्राम का कचरा हटाया गया है, तो ये जो आपका किस सरकार ने किया है, ये नेपाल सरकार ने किया है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी जकार्ता को बदलने की घोषणा की है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं कर पाए हैं ये कि ये अपनी राजधानी कौन सी बनाएंगे, लेकिन ये कंफर्म करते हुए हैं कि अभी जो अपनी राजधानी जकार्ता को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जकार्ता जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी कहाँ की है, इंडोनेशिया की, और ये अब इसको चेंज करने का प्लान कर चुके हैं और जल्दी इसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश के नए सम्राट बने महा वजीरा लॉन्ग कॉर्न, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बने, सम्राट बने हैं, और इनका नाम क्या है, महा वजीरा लॉन्ग कॉर्न। तो याद रखिएगा ये आपके थाईलैंड के जो है नेक्स्ट सम्राट बने हैं। जो इनका वंश है ये 74 वर्षों से जो है थाईलैंड पे जो है अपना राज कर रहा है, तो इस वर्ष जो है महा वजीरा लॉन्ग कॉर्न जो बने हैं थाईलैंड के सम्राट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किस देश के जो है पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का अदालत में सुनवाई के दौरान निधन हो गया, ठीक है। इनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे जिसके लिए सुनवाई हो रही थी, तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब सुनवाई के दौरान इनको जो है दौरा आया और ये वहीं पर मर गए। तो राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद मुर्सी इनका नाम है, और ये किस देश के राष्ट्रपति थे जिनको हाल ही में निधन हो गया, ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो आपको याद रखना है ये राष्ट्रपति थे मिस्र के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीन ने हाल ही में किस देश के लिए रेयर अर्थ मिनरल की आपूर्ति रोकने हेतु संकेत दिए हैं, ठीक है। रेयर मिनरल जो अर्थ है ये मोस्टली क्या करता है, चीन ही पैदा करता है, यानी आपका 70% जो है रेयर अर्थ मिनरल ये चीन में ही बनाया जाता है, ठीक है। और ये पूरे देश में, ये जो है दुनिया के सभी देशों में ये क्या है, इसको बेचता भी है। तो अब जो है चीन ने कड़े संकेत दिए हैं कि ये अमेरिका पर ये प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। लगभग अमेरिका का लगभग लगभग देशों से क्या है जो है कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। आपको पता है ईरान के साथ कोल्ड वॉर चल रहा है, चीन के साथ कोल्ड वॉर चल रहा है, भारत के लिए भी कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहा है अमेरिका, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल की आपूर्ति पर रोक लगाने का जो है निर्देश जारी कर सकता है बहुत जल्दी चीन, ठीक है, अमेरिका के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात याद रखना है कि रेयर अर्थ मिनरल की जो उत्पादन है 70% कौन करता है, चीन ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना, ठीक है। एशिया जैसे महाद्वीप पे समलैंगिक विवाह को क्या मानते हैं, एक गैर कानूनी अपराध मानते हैं। भारत में भी ऐसा कुछ समय तक पहले था, वैसे अभी भी जो है भारत के अंदर समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी गई है, ठीक है। तो एशिया में जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है ताइवान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं से संबंधित खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो निर्णय जो है किस देश ने लिया है, तो आपको याद रखना है ये लिया है अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि ब्रिटेन के बाद वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। पहला जलवायु आपातकाल घोषित किसने किया था, तो वो किया था ब्रिटेन ने, ठीक है। अब क्या है सेकेंड टाइम जो कर दिया है जलवायु आपातकाल की घोषणा, वो किया है आयरलैंड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयरलैंड ने जो है जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि हाल ही में किस देश की संसद ने फेक न्यूज़ विधेयक पारित किया। मुझे तो लगता है कि ये भारत में भी पारित होना चाहिए, बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती रहती हैं आजकल, तो इसके लिए भी भारत को भी कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। तो क्या बोले, हाल ही में जो है किस देश की संसद ने फेक न्यूज़ जो है विधेयक पारित कर दिया है, तो आपको याद रखना है ये किया है सिंगापुर की संसद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में जो है किस देश में ईरान की सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको पता है कि ईरान के साथ बहुत ही अच्छा वॉर चल रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका का, और याद रखिएगा अमेरिका ने ईरान की सभी वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में जो है किस देश ने आर्थिक विकास दर को प्राथमिकता ना देते हुए लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी और बेलबिंग बजट पेश किया। तो यार का ये करने वाला ये पहला देश है, यानी इन्होंने आर्थिक विकास को तजुब नहीं दी, इन्होंने क्या दी है लोगों के कल्याण को मतलब प्राथमिकता दी है, और ऐसा करने के लिए इन्होंने एक बजट पेश किया जिसका नाम क्या है, बेलबिंग बजट। और ये किस देश ने जो है अभी हाल ही में जो है पास किया है, तो आपको याद होना चाहिए ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में सऊदी अरब में किस देश के मुस्लिम नागरिकों के लिए हज कोटा में इजाफा किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये एक फैसला किया गया था। तो ये किया गया है भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए, और हज कोटे में क्या करेंगे, ये इजाफा करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश पर कड़े कदम उठाते हुए उस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा अनिवार्य कर दिया यदि वे चीन व पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करेंगे। देखिए आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में भारत और नेपाल के क्या संबंध है, हम वहां पर जा सकते हैं और वो हमारे पास हमारे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, अगर आप नेपाली नागरिक हो और आप भारत में प्रवेश कहाँ से कर रहे हो, चीन से कर रहे हो या फिर पाकिस्तान से कर रहे हो, यानी आप हो नागरिक नेपाल के, लेकिन आप भारत के अंदर कहाँ से आ रहे हो, चीन से आ रहे हो या फिर पाकिस्तान से आ रहे हो, तो अगर आप इन दो देशों से भारत के अंदर आ रहे हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। भारत ने ये
क्लियर कर दिया। और भाई बिल्कुल ठीक है, आप चीन से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, पता नहीं तुम वहीं के नागरिक हो या फिर नेपाल के नागरिक हो, ये तो कन्फर्म करना बड़ा थोड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो इस कारण भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान से अगर आप प्रवेश करेंगे, आप नेपाली नागरिक क्यों ना हो पर आपको वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में किस देश में भारत के डीडी चैनल का प्रसारण की घोषणा की गई, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर भारत का डीडी चैनल जो प्रसारित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ए और बी, यानी बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया, इन दोनों ही देशों में क्या है भारत का डीडी चैनल प्रसारित किया जाएगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि भारत के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच क्या है थोड़ा सी अच्छे रिश्ते आएंगे। तो बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में जो है भारत के डीडी चैनल का प्रसारण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में प्रकाशित जो है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का वह कौन सा देश है जो जल्द ही चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो आपको सबको पता है कि ये कब बन जाएगा भारत, 2030 के अंदर चीन को पछाड़ते हुए। ठीक है, चीन को पछाड़ते हुए ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो अब भैया जनसंख्या पे बड़े कानून लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे जो है ख़तरनाक होती है उस देश की जनसंख्या, क्योंकि सभी चीज़ संसाधन की कमी, नौकरियों की कमी, सब चीज़ की कमी आने लगती है, और जिसके कारण क्या बचती है, भुखमरी जो है, आपकी अशिक्षता, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो भारत को अब बड़े जो है कदम उठाते हुए इसके लिए भी कुछ करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में जो इंगर एडर्सन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का अधिकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एडर्सन जो है किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है इंगर एडर्सन जो है ये आपकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और इन्हें क्या किया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का जो है आपका निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा डेनमार्क की अर्थशास्त्री हैं और इन्हें क्या है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का जो है समापन हाल ही में कहाँ पर हुआ। तो आपको याद रखना है कि नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का जो समापन हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किर्गिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मानस ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री हाल ही में किसे प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, किर्गिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मानस ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मानस ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहाँ का है, किर्गिस्तान का है, और हाल ही में ये किसे प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति सी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति हैं और इन्हें ये जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक में शामिल 163 देशों में भारत की जो स्थिति क्या रही है 141वें स्थान पर रही है, इस सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत की स्थिति भी पूछ ली जाती है। तो 141वीं सूची रही है भारत की इस बार, और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी थी 163, और इस सूची में जो है फर्स्ट पोजीशन किसने जो हासिल की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा आइसलैंड को जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है विश्व शांति सूचकांक में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेक्सिको में आयोजित होने वाले गुआदलाहारा राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश होगा। तो आपको याद रखना है मेक्सिको में आयोजित होने वाला है ये क्या है गुआदालाहारा राष्ट्रीय पुस्तक मेला, और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है, भारत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आबू धाबी में आयोजित पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश था। तो याद रखिएगा ये भी भारत था, आबू धाबी में भी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर भारत, और मेक्सिको में भी गेस्ट ऑफ ऑनर भारत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि 14वां इस्लामिक सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां पर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है इस्लामिक सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन है ये मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी और सी, यानी अल्जीरिया और अर्जेंटीना, इन दोनों ही देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि यूएन में भारत ने जो अपनी कूटनीतियों को बदलते हुए किस देश के पक्ष में अपना वोट किया। देखिए अभी तक क्या करता था भारत, फिलिस्तीन को वोट करता था, लेकिन पहली बार क्या है भारत ने अपनी कूटनीतियों को चेंज किया है, और इन्होंने पहली बार यूएन में किसको वोट किया है, तो ये इन्होंने इसराइल को किया है। ये बड़ा झटका हो सकता है फिलिस्तीन के लिए, उसको सोचना होगा, अपनी कूटनीतियों में बदलाव करना होगा, कि भारत जैसा देश अगर उनको वोट नहीं कर रहा है
पहली बार ऐसा हुआ है तो बड़ी भाई इन्होंने जो है कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है भारत के साथ, इस कारण ऐसा हुआ है। तो ये बड़ी उपलब्धि होगी इसराइल के लिए भी, क्योंकि भारत ने उनके पक्ष में वोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का एडवोकेट किसे जो है, किस अभिनेत्री को चुना गया है? तो आपको याद रखना है दिया मिर्जा को जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का एडवोकेट नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि जोखा अलहार्ती किस देश की लेखिका है जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है जोखा अलहार्ती जो हैं ओमान की लेखिका हैं और इन्हें इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया है। ठीक है, आपका कि शाहीन 2 मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया? तो आपको याद रखना है कि शाहीन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर किस देश ने रोक लगा दी, यानी प्रतिबंध लगा दिया है विकिपीडिया पर? तो याद रखिएगा चीन ने ऐसा किया है, सांस्कृति धार्मिक और सुरक्षा कारणों को देते हुए इन्होंने विकिपीडिया पर रोक लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर गए? तो आपको याद रखना है वियतनाम की यात्रा पर गए हैं वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति हैं भारत के और ये 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं वियतनाम की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि टाइगर वुड्स को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है टाइगर वुड्स को प्रदान किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम और ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि साइरिल रामाफोसा हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं साइरिल रामाफोसा हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका के ये नए राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि स्टो मॉरिशन किस देश के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टो मॉरिशन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के ये न्यू प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कैशिम जोमार्थ हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसिम जोमार्थ हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं? तो याद रखिएगा आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए किस देश ने हाल ही में मांग की? याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना दोस्त और भारत के लिए, भारत के हित में हमेशा बोलता है फ्रांस, और फ्रांस ने ही यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए मांग करी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि जोको विडोडो को लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के लिए चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा जोको विडोडो लगातार दूसरी बार किस देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि जुआना कैपुतोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा स्लोवाकिया की जो पहली राष्ट्रपति बनी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश में हाल ही में मलेरिया के पहले टीके का परीक्षण किया गया? ठीक है, मलेरिया का टीका बन चुका है और इस टीके का जो है परीक्षण जो किया गया किस देश में किया गया है? तो देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के देश मलावी में। ठीक है, तो ये थे इंटरनेशनल करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।